बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं सुनी भाई चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मैं सौजला। तो नाज़रीन, सुनी भाई चैनल की टीम आज आपसे शेयर करती है दान की कुछ अच्छी वैरायटीज, बासमती वैरायटीज और गैर बासमती वैरायटीज। तो कौन कौन सी बासमती वैरायटीज हैं और कौन सी गैर बासमती यानी कि मोटी वैरायटी हैं, यानी कि जिनकी अच्छी पैदावार है जो हुकूमत पंजाब की तरफ से मंजूर शुदा है, और इन इकसाम पर जो है ना कितनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिलने के इम्कान हैं, और लास्ट ईयर किन पर हुकूमत की तरफ से सब्सिडी मिली थी बासमती इकसाम पर और गैस बासमती इकसाम पर, और कितनी कितनी मिली थी। तो ये हम आपसे आज शेयर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि धान की जो है ना पनीरी अब तैयार करने यानी कि उसको लगाने का जो है ना टाइम स्टार्ट होने वाला है, और कई जगह पर ये धान की पनीरी लग चुकी है। जैसा कि पता है कि जो है ना गंदम की फसल अब तैयार है, इसकी कटाई भी चल रही है, और उसके बाद जैसे कि रवायती जो है ना ये फसल है आपको पता है चावल की यानी कि धान की, तो इसलिए हमने जरूरी समझा कि कुछ ऐसी अच्छी जो है ना आपके साथ वीडियो शेयर की थी, यानी कि बासमती इकसाम कौन सी है और गैर बासमती यानी कि मोटी इकसाम कौन सी है। तो नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल बासमती इकसाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बासमती अच्छी इकसाम कौन सी है। तो पहली है सुपर बासमती, और उसके बाद बासमती 385, और उसके बाद बासमती 515, और उसके बाद नूर बासमती है, शाहीन बासमती है, चनाब बासमती है, पंजाब बासमती है, किसान बासमती है, और उसके बाद नयाब 2016, उसके बाद जो है ना बासमती इकसाम पीके 1121 यानी कि 1121। ये बासमती की अच्छी पैदावार वाली इकसाम है जो हुकूमत पंजाब की तरफ से इनमें से किसी एक दो पर सब्सिडी मिलने के इम्कान है, यानी कि इनकी पनीरी पर आपने एक दो थैला लेना है तो उस पर जो है ना सब्सिडी मिलने के इम्कान हैं। और इसके बाद जो मोटी इकसाम है यानी कि गैर बासमती इकसाम, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल ईरी 6 है, और उसके बाद नयाब ईरी 9 है, और उसके बाद है नयाब 2013, केएस 133, केएस 282, केएस 434 यानी कि केएस के 434 बाद है गैर बासमती इकसाम यानी कि मोटी इकसाम पीके 386, जो जैसा कि आपको पता है कि ये काफी फार्मर जो है ना इसको काश करते हैं, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि यार इन्हें 86 लाई आ। तो ये पीके 386 गैर बासमती इकसाम यानी कि मोटी इकसाम, ये थी मोटी इकसाम यानी कि गैर बासमती इकसाम। और अब मैं बताता जाऊं कि किन वैरायटीज पर यानी कि जो बासमती वैरायटी किन पर हुकूमत पंजाब की तरफ से लास्ट ईयर जो है ना सब्सिडी मिली थी और कितनी मिली थी, और उसके बाद मोटी कौन सी इकसाम है जिन पर जो है ना लास्ट ईयर सब्सिडी मिली थी और कितनी मिली थी। तो जो बासमती इकसाम है जिन पर सब्सिडी मिली थी, उनमें पहली है सुपर बासमती, और उसके बाद बासमती 515 पर मिली थी, और बासमती जो है ना 1121 इस पर जो है ना हुकूमत पंजाब की तरफ से पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर जो है ना सब्सिडी मिली थी। और उसके बाद जो गैर बासमती कौन सी इकसाम है यानी कि मोटी कौन सी इकसाम है जिन पर लास्ट ईयर हुकूमत पंजाब की तरफ सब्सिडी मिली थी, उनमें केएस के 133 है, और उसके बाद पीके 386 है, और उसके बाद नयाब ईरी 9। ये गैर बासमती इकसाम है जिन पर लास्ट ईयर पिछले साल हुकूमत पंजाब की तरफ से सब्सिडी मिली थी, और इन पर जो है ना कितनी सब्सिडी मिली थी यानी कि बासमती इकसाम पर कितनी मिली थी और गैर बासमती इकसाम पर कितनी मिली थी। तो बासमती इकसाम पर लास्ट ईयर एक थैले पर 1200 रुपया सब्सिडी मिली थी, और उसके बाद जो गैर बासमती इकसाम है यानी कि मोटी इकसाम, इन पर लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर 800 रुपया फी थैला किसान को बास जो है ना सब्सिडी दी गई थी। तो इस दफा जो है ना ये अंडर डिस्कशन है बात, तो हम इंशाल्लाह जो है ना जो ही जो है ना इसके तक इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है। किस तरह मिलनी है, कहां से आप जो है ना कि क्या उसका तरीका कार है, किन पर मिलनी है और कितनी कितनी मिलनी है, तो इंशाल्लाह हमारी इस वीडियो का आप इंतजार करें। तो नाज़रीन, ये थी धान के मुतल्लिक एक सुनी भाई चैनल की तरफ से एक वीडियो। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस जो है ना वीडियो से फायदा हासिल कर सकें, और जो आपका क्वेश्चन अगर रह गया तो उसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें, इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर देंगे। तो इसी के साथ नाज़रीन, सुनी भाई चैनल की टीम को दे इजाजत, इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।